तो ये लोकतांत्रिक भारत है, हम एक सवाल पलट कर पूछना चाहते हैं, टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? टाटा की उन्नति में किसका योगदान है? अरे टाटा फारसी है, पॉकेटवा में माटी लेकर आता है यहाँ, क्या तो भारत का नहीं है? भारत का नहीं है टाटा, तो पॉकेट में मिट्टी लेके आया था क्या? यानी टाटा की उन्नति में वो साक्षी गांव का योगदान है जो आज नेस्टा नाबूत हो गया। इसको कौन प्रेस छापता है कि टाटा की उन्नति में जिनका योगदान है वे लोग कहां हैं? सवाल होगा कि नहीं होगा? टाटा को बसाने में जिन लोगों ने अपना जमीन दिया है, मानुष गिला कोथाय माटीर भीतरे कि स्वर्णरेखा नदी में उनको बहा दिया गया है, या उसी लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में उनको जिंदा गला दिया गया है? आपको क्या लगता है कि उस लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में सिर्फ लोहा गला होगा? न जाने सैकड़ों झारखंडियों का अरमान चीख भी गला होगा। वास्तविकता है कि कंपनी देश की उन्नति में योगदान देती है लेकिन विनाश करती है किसानों का। हमको किसानों के विनाश पर विकास नहीं चाहिए। आज सरायकेला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जहां क्या नहीं है, कौन सा कारखाना नहीं है, कौन सा फैक्ट्री नहीं है, और यदि आज यहाँ के लोग गरीबी में तंगहाली में जी रहे हैं तो सवाल भारत सरकार से और सवाल राज्य की सरकार से जरूर जरूर होगा। 10,000 फैक्ट्री है ना, एक फैक्ट्री में मान लेते हैं 100 को मजदूर, 100 को मानते हैं एवरेज, तो 10,000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10,00,000। 10,00,000 ना, गिनती खराब नहीं ना मैं? 10,00,000 गूगल कीजिए। हमको लगता है सरायकेला जिला का टोटल जनसंख्या 10,00,000 होगा। कितना है? 12-15 कितना है? धनबाद का 26,00,000 है हमको पता है, रांची का 29 है, थोड़ा देर के लिए मान लेते 15,00,000 है, उसमें तो बच्चा लोग भी होगा, बुढ़ा लोग भी होगा, यानी जितना यहां रोजगार है उतना पॉपुलेशन नहीं है। तो इसलिए आज उस सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना होगा, और नहीं आप जिस मिट्टी में हैं, जहां खेती करते हैं, जहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, गारंटी है आपकी चुप्पी आपके आने वाले भविष्य के लिए जंजीर बनने का काम करेगी। यदि आप आज चुप रहते हैं तो आपका आने वाला भविष्य उनके सामने जंजीरें होंगी, उनके सामने गुलामी होगा। ये बात आपको तय करना है कि उनकी हाथों में, उनके भविष्य में आजादी होगी या गुलामी होगी, ये हर एक झारखंडी को तय करना है। साथ ही साथ क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत धनबाद बोकारो से हुई थी, क्यों हुई थी ना, भोजपुरी मगई भाषा को वहां शामिल किया गया था कि ना चल तो धनबादी बोकारो बाहरी भाषा ना चल तो। अब आप लोग कहेंगे कि बाहरी भाषा से क्या दिक्कत है, या यदि हमारी भाषा खत्म हो गई तो क्या दिक्कत है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान का भाषा खत्म हो जाता है, जे मानुषर भाषा परंपरा संस्कृति मिटे, वह मानुष का संपूर्ण नष्ट, वह इंसान खत्म हो जाता है। असुरी जनजाति जिसने आज लोहा गलाना सिखाया, अरे टाटा तो आज ना गलाता है, 1,000 साल पहले लोहा कौन गलाते थे? असुर लोग गलाते थे, आज नहीं है, 2-4 को कहीं होगा, कोई जंगल कोना में तो अलग बात है, आज नहीं है। क्यों नहीं है? भाषा परंपरा संस्कृति उन लोग का खत्म हो गया। बिरहोरी बिरदिया पहाड़िया इस प्रकार बहुत सारे झारखंड की जनजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, कहे भाषा। इसीलिए लड़ाई भाषा से स्टार्ट हुई थी कि बाहरी भाषा नहीं चलती। हम लोग के उधर एक कहावत है,
कि जे मानुषेर भाषा हराय से मानुषेर दिशा हराय। आप लोग सुने हैं, आप लोग सुने हैं कि जिस इंसान का भाषा गड़बड़ होता है उसका दिशा यानी रास्ता ही गड़बड़ हो जाता है। हमें वो छोटा सा उदाहरण देते हैं और हमेशा देते हैं, हालांकि